हेलो दोस्तों, होटल जॉब सही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चनिंग मैं कई बार सुनता हूँ, यह होटल जॉब सही है, ये बहुत सारे मतलब ऐसे सवाल हमारे माइंड में आते हैं। तो इसमें क्या प्लस पॉइंट है, होटल जॉब अगर हम करते हैं तो क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होटल लाइन में अगर हम आते हैं तो क्या माइनस पॉइंट होते हैं, वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्लस पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। माइनस पॉइंट है आपका, जैसे पर डे सेविंग आपको करनी पड़ेगी, नो मैटर आपकी इसमें आदत है नहीं है, आपको फंकी स्टाइल पसंद है, कैसा स्टाइल रहना आपको पसंद है, अगर होटल लाइन में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर किस फील्ड में जाएंगे, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पर डे आपको सेविंग करनी पड़ेगी, फंकी स्टाइल नहीं चलेगा। सेकेंड है आपका ड्यूटी टाइमिंग, लाइक ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर होटल में आप जॉब करते हैं तो मिनिमम जो आपको ड्यूटी टाइमिंग है वो 10 घंटे रहेगी रहेगी, मैक्सिमाइज 12-14 घंटे भी हो सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो। एक ये इसका माइनस पॉइंट है। थर्ड आपका माइनस पॉइंट है होटल लाइन के अंदर कि नो हॉलीडे ऑन फेस्टिवल, कोई भी आपका फेस्टिवल आता है तो ज़्यादा बिजी होता है होटल, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ना जाने कितने फेस्टिवल स्किप कर चुका हूँ होटल जॉब के चक्कर में, मैं मतलब घर पे होता ही नहीं हूँ जब कोई भी फेस्टिवल मैक्सिमाइज होते हैं तो, बहुत रेयरली बहुत हार्डली मतलब चांस है कि आपको छुट्टी मिलेंगी, तो जो भी फेस्टिवल हैं वो ज़्यादातर आपको होटल में, क्योंकि उस टाइम पर जो होटल्स होते हैं वो ज़्यादा बिजी होते हैं, ज़्यादा बिजनेस होता है होटल में। फोर्थ आपका माइनस पॉइंट है नो वीकली ऑफ फिक्स, मतलब कोई भी आपका जो हॉलीडे होता है वो फिक्स नहीं है, कोई भी जो छुट्टी होती है वीकली वो फिक्स नहीं होती है होटल लाइन के अंदर, मतलब जैसे अगर आपको महीने में 4 छुट्टी मिलती है तो वो आपकी फ़िक्स नहीं है कि आपको संडे को मिलेगी या मंडे को मिलेगी या ट्यूसडे को मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है लाइक बिजी शेड्यूल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आपको छुट्टी मिलती है, वो फिक्स नहीं है। तो ये मैंने मतलब जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर, मैंने माइनस पॉइंट इसके किए हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़े माइनस पॉइंट है हमारी मतलब पर्सनल लाइफ को जीने के लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं होटल लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि अगर होटल लाइन में हम आते हैं तो कहाँ पर क्या स्कोप है। तो स्कोप इसमें अच्छा है, अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको रेलवे में भी चांस मिलता है, अगर आपको लाइक आपने BHM किया है, HM किया है, कोई आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, तो आप रेलवे में भी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जहाँ पर भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर एक सेफ का होना, एक सर्वर का होना, एक HM डिग्री वाले का होना, एक होटलाइजर का होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो आप एक रेलवे में भी अपना कैरियर बना सकते हैं भाई। पर सेकंड है आप लाइक क्रूज़ में आप जॉब कर सकते हैं, अगर आपने HM में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो क्रूज़ शिप में आप जाने के बाद वहाँ पर एक अच्छा पैकेज आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। जो भी HM या HM के डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होते हैं तो उन्हें नेवी में भी लाइक मौका मिलता है जॉब करने का। एक और प्लस पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपको बाहर विदेश में बहुत ज़्यादा चांस मतलब नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा ऑफ़र लाइक होटल वालों को मिलते हैं विदेश जाने के, आउट ऑफ कंट्री में जॉब करने के। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइज कनेक्ट है, तो बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडिया से ज़्यादा स्कोप इसका आउट ऑफ कंट्री है, तो बाहर से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं आपको सेफ लाइन में, F&B सर्विस लाइन में, फ्रंट ऑफिस लाइन में, हाउसकीपिंग लाइन में, तो आप एक अच्छा कैरियर अपना फ्यूचर बना सकते हैं आउट ऑफ कंट्री में भी आप जॉब करके। और एक और मतलब इसमें मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है, प्रॉफिटेबल पॉइंट है, जो कि आप इंडिया पूरा घूम सकते हैं, अगर इंडिया में भी आपने जॉब करनी है तो पूरा इंडिया आप घूम सकते हैं अलग अलग लोकेशन पर जॉब करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लस पॉइंट है वो इसमें ये है कि आप अगर होटल में जॉब कर रहे हैं तो आपको खाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, पहनने के लिए आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मतलब ये 2-3 फायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं तो खाने की कभी तंगी आपको नहीं होगी। आपके कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि चलो प्लस पॉइंट इसमें पैसे का क्या है, क्या कैरियर स्कोप है, किस लेवल तक हम जा सकते हैं, तो इसमें अच्छा लाइक मनी मेकिंग भी इसमें अच्छी है, अगर आप अच्छे से अपना लाइक इस पर वर्क करते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं, एक अपना डिसाइडेड आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसमें आप काम करते हैं तो एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं, अच्छे पैसे आप इसमें कमा सकते हैं। सो होप यू गाइस कि वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।